तो दोस्तों जॉन विक के अंदर यूनिवर्स के अंदर हमें एक बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल रखा गया है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉनवरिक एक तरह से जी हाँ दोस्तों 2025 में ही हमें देखने को मिलेगी इसका टीजर ट्रेलर एक तरह से आउट कर दिया गया है तो आज हमें इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं जॉन विक की दुनिया से बेल या केवल बेल एक आगामी अमेरिकी न्यूनोअर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे लेन वाइसमैन द्वारा निर्देशित और शेयरटन द्वारा लिखा गया है यह जॉन विक फ्रेंचाइजी की पांचवीं फिल्म है जो जॉन विक अध्याय तीन पैराबेलम दो और अध्याय चार दो की घटनाओं के बीच सेट स्पिनफ के रूप में कार्य करती है इसमें एना डी मुख्य भूमिका में है साथ ही एंजेलिका हस्टन लांस रेडिक अपनी अंतिम स्क्रीन उपस्थिति में इयान मैकशेन और कीनू रीव्स अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं जबकि गेब्रियल बर्न कैटालिना सेंडिनो मोरेनो और नॉर्मन रीडर्स कलाकारों में शामिल होते हैं फिल्म में हत्यारे ईव मैकारो अरामास ने दो ने 2017 में फिल्म के लिए एटन की स्पेक स्क्रिप्ट हासिल की जिसके कारण उन्होंने पैराबेलम की अंतिम पटकथा में योगदान दिया और फिर अध्याय चार के लिए मुख्य लेखक के रूप में काम किए अक्टूबर 2019 में वाइसमैन को निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया मई 2020 तक चार्ज तिरस्की को निर्माता के रूप में पुष्टि की गई बेलेरिना की आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2022 में घोषणा की गई जिसमें डी अरामास को मुख्य भूमिका में यूनिटी फेलन की जगह लेने की पुष्टि की गई जिन्होंने पैराबेलम में चरित्र को चित्रित किया दिसंबर तक मुख्य कलाकारों के बाकी हिस्सों को पूरा कर लिया गया था मुख्य फोटोग्राफी जल्द ही शुरू हुई जो प्राक चेक गणराज्य में हुई फरवरी 2024 में अतिरिक्त एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू की गई यह फिल्म 6 जून 2025 को रिलीज होने वाली है आधार जॉन विक चैप्टर तीन पैराबेलम 2019 और जॉन विक चैप्टर चार 2023 की घटनाओं के बीच दो बेलेना हत्यारे ईव मैकारों ने रुस्का रोमा की हत्यारे परंपराओं में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिए थीम भालना एना डे आर्मस ईव मैकारों के रूप में एक बेलेरीना जो रुस्का रोमा की हत्यारी परंपराओं में प्रशिक्षण लेना शुरू कर रही है अतीन सहकलाकार इयान मैक्शेन के अनुसार फिल्म के दौरान चरित्र न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल में विंगस्टन और चारोन के संरक्षण में है कैर एंजेलिका ह्यूस्टन निर्देशक के रूप में पांच गेब्रियल बर्न चांसलर के रूप में छह फिल्म का मुख्य प्रतिपक्षी जो मैकारो के खिलाफ एक शहर का नेतृत्व करता है कैर साउथ लांस रेडिक चारोन न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में दरबान और विंग्सटन स्कॉट के दोस्त और जॉन विक के परिचित आठ यह रेडी की चारोन के रूप में अंतिम उपस्थिति थी और कुल मिलाकर अंतिम ऑन स्क्रीन उपस्थिति मरणोपरांत जारी की गई नौ कैटालिना सेंडिनो मोरेनो दस नॉर्मन रीडर्स पाइन के रूप में एक रहस्य में आदमी ग्यारह रीडर्स ने कीनू रीव्स की प्रशंसा की क्योंकि फिल्म श्रृंखला की मांग थी मुझे पूरे दिन एडविल की एक बोतल चाहिए प्रकार का काम रीडर्स ने फिल्म में कसकर कोरियोग्राफ किए गए लड़ाई के दृश्यों की तुलना अपनी श्रृंखला द वॉकिंग डेड डेरिल डिक्सन दो शून्य दो तीन वर्तमान में अरीले और मैला दृश्यों से की इयान विंस्टन स्कॉट, कॉन्टिनेंटल होटल के रहस्य में मालिक और जॉन विक के दोस्त फिर जॉन विक के रूप में कीनू रीव्स एक पेशेवर हितमैन और महान हत्यारा जिसने अपने कौशल के लिए ख्याति प्राप्त की है और हाई टेबल से भाग रहा है शेरोन डनक नोगी के रूप में दिखाई देते हैं जो ईव और अन्य प्रशिक्षियों को निर्देश देते हैं चौदह डेविड कास्तानेडा भी दिखाई देते हैं पंद्रह उत्पादन विकास एना अरमास को 2021 में ईव मैकारो नामक एक बेलेरीना हत्यारे का किरदार निभाने के लिए चुना गया था जुलाई 2017 में लायंस फिल्म्स ने स्नेशेटन की एक्शन थ्रिलर बेलेरीना का अधिग्रहण किया थंडर रोड फिल्म ने फिल्म का निर्माण किया और एल्टन ने जॉन विक फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए स्क्रिप्ट को फिर से लिखा बेलेरीना की अवधारणा को अंत तीसरी मुख्य फिल्म जॉन विक अध्याय तीन पैराबेलम 2019 में लिखा गया जिसमें यूनिटी फेलम द्वारा चित्रित एक बेलेरीना दिखाई देती है 16 वर्ष के अंत में स्क्रिप्ट को 2017 में सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित पतकथाओं की ब्लैकलिस्ट में वोट दिया गया था 17 अक्टूबर 2019 तक लेन वाइसमैन को फिल्म का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था अठारह मई दो में यह बताया गया कि स्टूडियो फिल्म में अभिनय करने के लिए एक अभिनेत्री की तलाश कर रहा था उन्होंने पुष्टि की कि वह और उनकी टीम फिल्म के एक्शन दृश्यों और स्तन पर वाइसमैन के साथ मिलकर काम करेंगे जबकि यह स्वीकार करते हुए कि वाइसमैन की फिल्म निर्माण शैली फ्रेंचाइजी में विविधता लायक उस समय वाइसमैन और एटन स्क्रिप्ट के नए मसौदे पर काम कर रहे थे बीस अक्टूबर दो तक एना डी अरामास ने एक बैलेरिना हत्यारे टाइटेनिक चरित्र को निभाने के लिए बातचीत में प्रवेश किए 21 अप्रैल 2022 तक लायंस ने सिनेमाकॉन में आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की और कहा कि डी अरामास मुख्य भूमिका में होंगे बाईस जुलाई दो में एमराल्ड फेनेल को इसके लेखकों में से एक के रूप में स्क्रिप्ट में योगदान देने के लिए काम पर रखा गया था तेईस फिल्माने शुरुआत में 2022 की गर्मियों में शुरू होने वाला था 22 प्रमुख फोटोग्राफी आधिकारिक तौर पर 7 नवंबर 2022 को प्राग चेक गणराज्य में शुरू हुई 24 13 25 पूरे महीने और दिसंबर की शुरुआत में यह घोषणा की गई कि की की कीनू रीव्स इयान मैक्शन एंजेलिका हस्टन और लांस रेडिक कलाकारों में शामिल हो गए एच और फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे क्रमशः जॉन विक विंगस्टन स्कॉट निर्देशक और चारों के रूप में तेरह छब्बीस पांच आठ दिसंबर के दौरान कैटालिना सेंडिनो मोरेनो, नॉर्मन रीडस और गेब्रियल बर्न अज्ञात भूमिकाओं में सहायक कलाकारों में शामिल हुए दस सत्ताईस अट्ठाईस फिल्मांकन के दौरान रीव्स डिज्नी प्लस सीमित स्टार वार श्रृंखला द एोलाइथ 2024 में जेडी मास्टर सोल की भूमिका निभाने के लिए लुकास फिल्म की पेशकश को स्वीकार करने के लिए अपने शूटिंग शेड्यूल को समायोजित करने में सक्षम नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप वह हिस्सा ली जंगजे को मिल गए उनतीस बैलेरीना फरवरी दो में पोस्ट प्रोडक्शन में थे अतीस फरवरी दो में निर्माता चार्ज सिंसकी निर्देशक लेन वाइसमैन के साथ फिल्म के लिए अतिरिक्त एक्शन दृश्यों पर काम कर रहे इकतीस मार्च तक डेविड कास्तानेडा और शेरों डनकन अब्रूस्तर कलाकारों में शामिल हो गए पन्द्रह स्टार नॉर्मन रीडर्स बुडापेस्ट में अपने अतिरिक्त लड़ाई दृश्यों को फिल्माने के लिए जापान से आए बारह संगीत सितंबर 2024 तक टाइलर बेट्स और जोएल जे रिचर्ड को फिल्म के लिए स्कोर बनाने के लिए जोड़ा गया था बत्तीस मार्को बेल्ट्रामी और अन्ना ड्रूबिच मूल रूप से अप्रैल 2023 तक काम पर रखे जाने के बाद स्कोर की रचना कर रहे थे तैतीस बत्तीस विपणन फिल्म के लिए पहली मार्केटिंग सामग्री जिसे अप्रैल 2024 के सिनेमाकॉन सम्मेलन में दिखाया गया एक छोटा टीजर ट्रेलर था जिसे बंद दरवाजे के दर्शकों के लिए जारी किया गया था चौंतीस एंटरटेनमेंट वीकली ने बताया कि ट्रेलर में चारोन विंगस्टन नॉर्मन रीडर्स का अज्ञात चरित्र और अंत में विकी एक कैमियो उपस्थिति शामिल थी पैंतीस वहा इसका शीर्षक जॉन विक प्रेजेंसा बेलेरीना के रूप में प्रस्तुत किया गया था सात छत्तीस ब्लीडिंग कूल ने फुटेज को बिल्कुल वही कहा जो सिनेमाकॉन के सपने बनते हैं सैंतीस छब्बीस सितंबर 2024 को फिल्म का पहला ट्रेलर लाइन्स गेट द्वारा जारी किया गया था जहां फिल्म का आधिकारिक शीर्षक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बेलेरीना बताया गया था अड़तीस मुक्त करना जॉन विक की दुनिया से बेलेरीना को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में 6 जून 2025 को रिलीज किया जाना है उनतीलीस संभावित अगली कड़ी मार्च 2023 में निर्माता एरिका ली ने कहा कि स्टूडियो की योजना एक सीक्वल बनाने की है जिसमें डे आर्मस अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी शे एटन जन्म मार्च एक हजार बटा एक हजार एक एक अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता है उन्हें जॉन विक चैप्टर तीन पैराबेलम 2019 आर्मी ऑफ द दे डेड आर्मी ऑफ थीव्स दोनों दो जॉन विक चैप्टर चार रेबेल मून दोनों दो हजार तेईस और रेबेल मून पार्ट टू दजार चौबीस में उनके काम के लिए जाना जाता है दो प्रारंभिक जीवन एटन का जन्म कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ था एक उन्होंने 2012 में मॉस्को स्कूल और 2016 में लोयोला मैरीमाउंट माउंट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से स्नातक किए तीन आजीविका स्नातक करने के बाद एटन ने टीम दाउनी में एक प्रशिक्षु और फिर लेखन सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किए वहां रहते हुए उन्होंने मैक्सिमम किंग शीर्षक से अपनी पहली स्पेक स्क्रिप्ट ली थी जो स्टीफन किंग पर केंद्रित है जो उनकी एकमात्र निर्देशित फीचर फिल्म मैक्सिमम ओवरड्राइव के निर्माण के दौरान थी बाद में स्क्रिप्ट को 2016 की ब्लैक लिस्ट में वोट दिया गया था उन्होंने बेलेरीना नामक स्पेक पर एक और स्क्रिप्ट ली थी जिसे 2017 में लायंस गेट ने जॉन विक की प्रोडक्शन कंपनी थंडर रोड फिल्म द्वारा निर्मित करने के लिए खरीद लिए एटन ने बेलेरीना के स्वर को श्रेय दिया जिसके कारण उन्हें जॉन विक अध्याय तीन पैराबेलम लेखन टीम और बाद में जॉन विक अध्याय चार में लाया गए पांड एटन ने कई स्क्रिप्ट भी लिखी जिन्हें जैक स्नाइडर 2021 की नेटफ्लिक्स फिल्मों आर्मी ऑफ द डेड और इसके प्रीक्वल आर्मी ऑफ थीव से शुरू करेंगे छः इसके बाद दो भाग का महाकाव्य स्पेस ओपेरा रिबेल मून पार्ट वन ए चाइल्ड ऑफ फायर और इसका अनुवर्ती रिबेल मून पार्ट टू दर्गीव आर टेलीविजन के लिए उन्होंने फ्यूचर कल्ट क्लासिक एक व्यंग्यात्मक टेलीविजन सीरियो नौ और आई नोवराट यूडिड लास्ट समर के लिए पायलट एपिसोड लिखे जिसके लिए उन्हें कार्यकारी निर्माता का श्रेय भी मिला है. दस फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ट शीर्षक निदेशक 2019 हजार उन्नीस जॉनविक चैप्टर तीन पेराबेलम चार्ड तिल्स की दो मृतकों की सेना जैक स्नाइडर चोरों की सेना मथायस श्वेघोफर 2022 दिन की पारी जेजे जे पेरी 2023 हजार तेईस अध्याय चार ग्यारह चार्ड स्ल्स की विद्रोही चंद्रमक भाग एक आग का बच्चा बारह जैक स्नाइडर 2024 विद्रोही चंद्रमक भाग दो स्कारगिवर तेरह दो हजार पच्चीस जॉन विक की दुनिया से बेलेरीना कौदह लेन वाइजमैन बेसिल विलियम इवानिक जन्म चार जनवरी उन्नीस सौ सत्तर एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है वे थंडर रोड फिल्म के संस्थापक एच और उन्हें सिकारियो द टाउन ग्रीनलैंड और जॉन विक फ्रेंचाइजी फिल्मों के लिए जाना जाता है 2018 तक उनकी फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है एक वे यूक्रेनी मूल के हैं दो उन्नीस के दशक में वार्नर ब्रदर्स के लिए काम करना शुरू करने के बाद बेसिल ने 2000 में फिल्म निर्माण कंपनी थंडर रोड की स्थापना की दीबनी इवानिक न्यू जर्सी में पले बैठ अचार इवानिक ने थंडर रोड की स्थापना से पहले 1990 के दशक में वार्नर ब्रदर्स के लिए काम किए इवानिक सिकारियों और विंड रिवर फिल्मों की प्रोडक्शन टीम में थे दोनों ही फिल्में टेलर शेरिडन द्वारा लिखी गई थीं, जिन्होंने विंड रिवर का निर्देशन भी किया था और बाद में टीवी शो येलोस्तोन के शोरन बने बेसिल को जॉन विक फ्रेंचाइजी की फिल्मों के निर्माता के रूप में भी नामित किया गया है पांड फिल्मोग्राफी फिल्मे निर्माता के उन्नीस द विडोमेकर दो हजार दो सहनिर्माता वेलकम टू मूसपोर्थ दो हजार चार दो हजार वी आर मार्शल दो हजार छ लॉस्ट बॉयस द ट्राइब दो हजार आठ डायरेक्ट टू वीडियो ब्रुकलिनस फाइनेस्ट दो हजार नौ क्लैश ऑफ द टाइटन्स दो हजार दस द टाउन दो हजार दस लॉस्ट बॉयज द थर्स्ट दो हजार दस डायरेक्ट टू वीडियो रेत ऑफ द टाइटन्स दो हजार बारह जॉन विक दो हजार चौदह सातवाएं बेटा दो हजार पंद्रह सिकारियो दो हजार पंद्रह मिस्र के देवता 2016 जॉन विक चैप्टर दो 2017 विंड रिवर 2017 वर्तमान युद्ध 2017 जीने के लिए 24 घंटे 2017 सिकारियो डे ऑफ द सोलडो 2018 होटल मुंबई 2018 एक निजी युद्ध 2018 जॉन विक चैप्टर तीन पैराबेलम 2019 द इन्फॉर्मर 2019, हजार 2020, अंथीन 2020, हजार बीस दो हजार बीस ग्रीनलैंड दो हजार बीस वोएजर्स दो हजार इक्कीस राष्ट्रीय चैंपियन दो हजार इक्कीस ठेकेदार दो हजार बाईस ब्लैक साइथ दो हजार बाईस फिर से प्यार दो हजार तेईस विक चैप्टर चार दो हजार तेईस कंधार दो हजार तेईस साइलेंट नाइथ 2023 रेड राइट एंड 2024 मंकी मैन 2024 ब्रीथ 2024 ट्रिगर चेतावनी 2024 जॉन विक की दुनिया से बेलेरिना 2025 विंड रिवर द नेक्स्ट चैप्टर टीबीए 6 डस्ट बन्नी टीबीए जॉन विक चैप्टर पांच टीबीए रिले टीबीए ग्रीनलैंड प्रवासन टीबीए द बूनडॉग सेंसर तीन टीबीए लेन रयान वाइजमैन जन्म 4 मार्च उन्नीस सौ तिहत्तर एक बेहतर स्रोत की आवश्यकता है एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक और निर्माता है उन्हें अंडरवर्ल्ड सीरीज लाइव फ्री और डाई हार्ड और 2012 की फिल्म टोटल रिकल में उनके काम के लिए जाना जाता है वाइजमैन प्रोडक्शन कंपनी स्केच फिल्म से चलाते हैं प्रारंभिक जीवन और शिक्षा वाइसमैन का जन्म और पालन पोषण कैलिफोर्निया के फ्रेमोन्थ में हुआ था एक उन्होंने अमेरिकन हाई स्कूल में पढ़ाई की और बाद में कैलिफोर्निया के क्यू में डी एंजा कॉलेज में फिल्म की पढ़ाई की दो आजीविका वाइजमैन ने फिल्म में अपना करियर रोलान डेमेरिज की कई फिल्मों में प्रॉपर्टी असिस्टेंट के तौर पर शुरू किया स्टारगेट उन्नीस इंडिपेंडेंस डे उन्नीस और गोडजिला उन्नीस सौ सोनी सहित क्लाइंट के लिए विज्ञापन बनाने के बाद उन्होंने मेगाडेट एन वोक स्टेटिकैक्स और मेफिस्तो ओडिसी जैसे कलाकारों के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किए उन्हें 2002 हजार दो एम टीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में कार्शी के स्टिक एम अप के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का नामांकन मिला और म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन एसोसिएशन एमबीपीए अवार्ड्स में रूफ्स वेनराइट के ए द यूनिवर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नामांकन मिला दो 2003 में वाइसमैन ने अंडरवर्ल्ड फिल्म का सहनिर्माण और निर्देशन किए आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किए उन्होंने 2006 की अगली कड़ी अंडरवर्ल्ड इवोल्यूशन का निर्देशन किया और अनुवर्ती अंडर रायो ऑफ द लाइक अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग और अंडरवर्ल्ड ब्लर वॉर्स का निर्माण किए 2007 में उन्होंने ब्रूस विलिस अभिनीत दाई हार्ड सीरीज की चौथी किस्त लाइव फ्री या डाई हार का निर्देशन किया जिसे आमतौर पर अनुकूल समीक्षा और बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिल तीन उन्होंने 2012 में रिलीज टोटल रिकॉल का निर्देशन किया जिसमें कॉलिन फेरेल जेसिका बील और उनकी पत्नी केट बेकिसले ने अभिनय किए चार दो में यह घोषणा की गई थी कि वाइसमैन कॉमिक बुक सीरीज द डार्कनेस के लाइव एक्शन फिल्म संस्करण का निर्देशन करेंगे हालांकि मार्च 2016 तक कोई अपडेट घोषित नहीं किया गया है पांड वाइसमैन ने तीन टेलीविज़न सीरीज़ के पायलट एपिसोड का निर्देशन भी किया है सीबीएस के हवाई फ़ाइम शुने का दो का लॉन्च फ़ॉक्स के स्लीपी होलो का दो का पायलट और फॉक्स सीरीज़ लुसिफेर का दो का पायलन छह सात तीनों सीरीज़ को चल रहे उत्पादन के लिए चुना गया था हालांकि वाइसमैन आगे के एपिसोड में शामिल नहीं छे 8 अक्टूबर 2019 को यह घोषणा की गई कि वाइसमैन जॉन विक महिला केंद्रित स्पिन फ़िल्म बैलेरिना का निर्देशन करेंगे आठ व्यक्तिगत जीवन वाइजमैन की पहली शादी उन्नीस में डाना नामक एक किंडरगार्टन शिक्षिका से हुई नौ दो 2003 में वाइजमैन की मुलाकात अभिनेता केट बेकिंसले से उनकी 2003 में रिलीज हुई फिल्म अंडरवर्ल्ड के सेट पर होने के बाद उनका तलाक हो गए नौ बेकिंसले ने अपने साथी माइकल शीन के साथ भी रिश्ता खत्म कर लिए दस वाइजमैन और बेकिंसले की शादी 9 मई 2004 को बेलयर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हुई थी ग्यारह बीस नवम्बर दो को यह घोषणा की गई कि वे अलग हो रहे बारह और दो में उन्होंने अपूरणीय मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी तेरह नवंबर 2019 तक उनका तलाक फाइनल हो गए फिल्मोग्राफी फिल्में वर्ष शीर्षक निदेशक निर्माता लेखक डेरे कोलस्टेट जन्म 4 अप्रैल उन्नीस एक अमेरिकी पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता है वह जॉन विक फ्रेंचाइज़ी के निर्माता है जो 2014 में शुरू हुई थी उन्होंने फ्रेंचाइज़ी के पहले दो सीक्वल के लिए लिखना जारी रखा और उन्हें मुख्य रूप से एक्शन फिल्मों और शो के पटकथा लेखक के रूप में जाना जाता है दीबनी मूल रूप से मेडिसन विस्कॉन्सिन से कोलस्टेड ने एजवुड हाई स्कूल ऑफ़ द सेक्रेड हार्ट में पढ़ाई की और बाद में इंडियाना में टेलर यूनिवर्सिटी में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की वह पटकथा लेखन का अध्ययन करने के लिए 24 साल की उम्र में कैलिफोर्निया चले गए उनका कहना है कि उन्होंने किशोरावस्था में ही फिल्में लिखना शुरू कर दिया था लेकिन उन्हें पहले हॉलीवुड में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा एक आजीविका उनके द्वारा बेची गई पहली स्क्रिप्ट का नाम एक था जिसे जून दो में वोल्टेज पिक्चर्स ने खरीद लिया था उसके बाद उन्हें कुछ लेखन और पुनर्लेखन का काम मिला जिसमें वन इन द चैंबर पर काम भी शामिल था जिसमें डॉल्फ लुंडग्रेन और क्यूबा गुडिंग जूनियर ने अभिनय किया था इसके बाद उन्होंने द पैकेज लिखा जिसमें लुंडग्रेन ने भी अभिनय किया था कोलस्टेड ने थंडर रोड पिक्चर्स को स्कॉन नामक एक स्क्रिप्ट बेची जिसने अप्रैल 2013 में मुख्य भूमिका के लिए किनू रीव्स को साइन किए रीव्स के सुझाव पर शीर्षक चरित्र के नाम पर फिल्म का नाम बदलकर जॉन विक रखा गया दो जिसे कोलस्टेड ने अपने नाना के नाम पर रखा था तीन यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसके बाद 2017 में जॉन विक चैप्टर दो और 2019 में जॉन विक चैप्टर तीन पैराबेलम रिलीज हुई चार कोलस्टेड ने वीडियो गेम जॉन विक क्रॉनिकल्स लिखा और एक कॉमिक बुक सीरीज के निर्माण में शामिल था। पांच हालांकि स्टूडियो ने उन्हें चौथी या बाद की फिल्मों के लिए लेखन जारी रखने के लिए नहीं कहा छह 2017 में यह बताया गया कि कोलेस्टेड हिटमैन फ्रेंचाइजी का एक लाइव एक्शन टेलीविजन रूपांतरण और साथ ही द स्टीवर्ड नामक एक एक्शन एक थ्रिलर भी लिखेंगे सात आठ नौ 2019 में यह बताया गया कि कोलेस्टेड जस्ट जस्टकॉय फ्रेंचाइजी का एक लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण लिखेंगे और उसका निर्माण करेंगे दस दो में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि कोलेस्टेड स्प्लिंटर सेल एनिमे श्रृंखला पर एक कार्यकारी निर्माता और लेखक होंगे ग्यारह 2021 में कोलस्टैड को अमेदन प्राइम वीडियो के लिए हेल्सिंग के लाइव एक्शन रूपांतरण के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था बारह कोलस्टेड ने बॉब ओडेन किर्क अभिनीत 2021 की फिल्म नोबोडी और 2021 मार्वल स्टूडियोज टेलीविजन श्रृंखला द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के दो एपिसोड की पटकथा लिया व्यक्तिगत जीवन कोलस्टेड अपनी पत्नी सोनिया और जुर्वा बच्चों के साथ कैलिफोर्निया के पासाडेना में रहते हैं तीन फिल्मोग्राफी जॉन विक फ्रेंचाइज में निर्मित पात्रों के रूप में भी श्रेय दिया जाता है फिल्म लेखक वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स 2012 हजार बारह चैम्बर में एक विलियम कॉफमैन 2013 पैकेज जेसीवी जॉनसन 2014 चौदह जॉन विक चार्ज तेल्स की डेविड लीथ अंग्रेजी सीखने के लिए न्यूयॉर्क शहर में कुछ महीने बिताने के बाद तेईस डे अरमास को ऐतिहासिक नाटक हिस्पेनिया 2010 से 2011 हजार ग्यारह के सत्रह एपिसोड में अभिनय करने के लिए स्पेन लौटने के लिए राजी किया गए तीन इसके बाद उन्होंने एंटोनियो त्रैशोरस की हॉरर फिल्मों एल कैलेजन 2011 और एनाबेल 2015, हजार पंद्रह तीस और ड्रामापोर अनपुनारो डी बेसोस दो हजार चौदह में अभिनय किए इकतीस अभिनय के काम के बिना एक लंबी अवधि के दौरान इक्कीस डे और ने टॉमस पांडुर की मैड्रिड थिएटर कंपनी छह में कार्यशालाओं में भाग लिया और अपने करियर में गति की कमी के बारे में बहुत चिंतित महसूस किए पंद्रह हॉलीवुड में परिवर्तन और सफलता 2014 से 2020 अपने नए नियुक्त हॉलीवुड एजेंट के प्रोत्साहन से उन्होंने लॉस एंजल्स जाने का फैसला किए। चौदह जब डी अरामास पहली बार 2014 में लॉस एंजल्स पहुंची बत्तीस उसे अपना करियर फिर से खरों से शुरू करना पड़ा सोलह वह बहुत कम अंग्रेजी बोलती थी और शुरुआती ऑडिशन के दौरान वह अक्सर यह भी नहीं जानती थी कि वह क्या कह रही है सात उसने अंग्रेजी सीखने के लिए चार महीने पूर्णकालिक शिक्षा में बिताए तैतीस उनतीस वह केवल लेटिना अभिनेत्रियों के लिए, लिए लिखे गए पात्रों को निभाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहती थी नौ उन्होंने अपनी पहली हॉलीवुड रिलीज एलिरोथ की कामुक थ्रिलर नोक 2015 में कीनू रीव्स के साथ अभिनय किया और अपनी पंक्तियों को ध्वन्यात्मक रूप से सीखाए 34, पैंतीस रीव्स ने फिर डे आर्मस को फोन करके थ्रिलर डॉटर ऑफ गॉड में स्पेनिश भाषा की भूमिका में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया जिसमें उन्होंने अभिनय किया और निर्माण किए छत्तीस निर्माता मार्क डाउनी को उम्मीद थी कि डे आर्मस के लिए एक स्टार वाहन होगी लेकिन कार्यकारी हस्तक्षेप के कारण डॉटर ऑफ गॉड को गंभीर रूप से संपादित किया गया और डे आर्मस की पूर्व अभिनीत भूमिका को कम कर दिया गया फिल्म को अंततः 2016 में एक सपोस्ड के रूप में रिलीज किया गया सैंतीस अड़तीस हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेख ने उल्लेख किया कि जब वह अपने हिस्से में आकर्षक थी तो डे आर्मस अपने चरित्र की तीव्र भावनात्मक मांगों को प्रदर्शित करने में असमर्थ थी हूं एना सेलिया डे आर्मस कासो स्पेनिश उच्चारण एएनएसीएल जे ई एएमएस जन्म तीस अप्रैल उन्नीस एक क्यूबा और स्पेनिश अभिनेत्री आए उन्होंने क्यूबा में रोमांटिक ड्रामा उना रोजाडे फ्रांसिया 2006 में एक प्रमुख भूमिका के साथ अपना करियर शुरू किए 18 साल की उम्र में वह मेड्रिड स्पेन चली गई और 2007 से 2010 तक छह सीजन के लिए लोकप्रिय ड्रामा एल इंटरनेरों में अभिनय किए लॉस एंजिल्स जाने के बाद डे अरमास ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नॉक नॉक 2015 और कॉमेडी क्राइम फिल्म वॉर डॉक्स 2016 में अंग्रेजी बोलने वाली भूमिकाएं की वह साइंस फिक्शन फिल्म ब्लेड रनर दो हजार, दो हजार में होलोग्राफी के आई प्रोजेक्शन जोई के रूप में अपनी भूमिका से प्रमुखता में आई मिस्ट्री फिल्म नाइव्स आउट 2019 में नर्स मार्टा कैब्रेरा के, के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था बाद में उन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई दो में बॉन्ड गर्ल पालोमा और जीवनी पर आधारित ड्रामा ब्लोंड दो में नोरमा जीन की भूमिका निभाई ब्लोंड के लिए डे अरमा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली क्यूबाई बनी प्रारंभिक जीवन डी अरमास का जन्म क्यूबा के हवाना में हुआ था दो और उनका पालन पोषण सांता क्रूज डेल नॉर्थ के छोटे शहर में हूं तीन उनके नाना नानी स्पेन के उत्तर में लियोन और पलेसिया के क्षेत्रों से क्यूबा में स्पेनिश प्रवासी थे चार पांच उनके पिता रामोन ने एक बैंक मैनेजर शिक्षक स्कूल के प्रिंसिपल और एक शहर के डिप्टी मेयर सहित विभिन्न नौकरियों में काम किए छ उन्होंने पहले एक सोवियत विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया था छह सात उनकी मान एना शिक्षा मंत्रालय के मानव संसाधन अनुभाग में काम करती थी आठ नौ दस डी अरमास का एक बड़ा भाई जेवियर न्यूयॉर्क शहर का एक फोटोग्राफर है छह जिसे 2020 में क्यूबा पुलिस ने डिक्री तीन पर उसके आलोचनात्मक रुख और सरकारी निगरानी में कलाकारों के साथ उसके संबंधों के कारण पूछताछ की बारह जबकि क्यूबा के विशेष काल के दौरान डी आर्मस खाद्य राशनिंग ईंधन की कमी और बिजली ब्लैकआउट के साथ बड़ी हुई छह तेरह उसने अपने शुरुआती जीवन को खुशहाल बताया है अपने बचपन और किशोरावस्था के दौरान डी अरमास के पास इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी और क्यूबा से परे लोकप्रिय संस्कृति के बारे में उनका ज्ञान सीमित था चौदह उन्हें शनिवार को 20 मिनट के कार्टून और रविवार को मूवी मैटिनी देखने की अनुमति थी पन्द्रह उनके परिवार के पास वीडियो या डीवीडी प्लेयर नहीं था और वह अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट में हॉलीवुड फिल्में देखती थी सोलह उसने एक दर्पण के सामने मोनोलॉग को याद किया और उसका अभ्यास किया सत्रह अठारह और जब वह बारह साल की थी तब उसने अभिनेत्री बनने का फैसला किए उन्नीस दो हजार दो में चौदह वर्ष की आयु में उसने हवाना के क्यूबा के राष्ट्रीय रंगमंच में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिए आठ बीस वह कभी कभी कठोर पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए लिफ्ट लेती थी इक्कीस बाईस एक छात्र के रूप में उसने तीन फिल्मों में फिल्मांकन किए उन्होंने अपनी अंतिम थीसिस पेश करने से कुछ समय पहले चार साल का ड्रामा कोर्स छोड़ दिया क्योंकि क्यूबा के स्नातकों को समुदाय के लिए तीन साल की अनिवार्य सेवा पूरी किए बिना देश छोड़ने की मनाही है नौ तेईस अठारह साल की उम्र में अपने नाना नानी के माध्यम से स्पेनिश नागरिकता के साथ चार तेरह वह अभिनय करियर बनाने के लिए मैड्रिड चली गई नौ आजीविका स्पेनिश सिनेमा में करियर की शुरुआत 2006 से 2013, 2008 में एल इंटरनेडो के कलाकारों के साथ डे आर मस में नंबर चार अपने मूल क्यूबा में डे और मास ने मैनुअल गुटेरेजारागोन की रोमांटिक ड्रामा उना रोजा डी फ्रांसिया 2006 में एलेक्स गोंजालेज के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी तेरह क्यूबा के अभिनेता जॉर्ज पेरूगोरिया ने अपनी बेटियों के साथ एक जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने के दौरान उनसे मुलाकात के बाद निर्देशक को इस भूमिका के लिए डे अरमास पर विचार करने का सुझाव दिए चौबीस पच्चीस निर्देशक ने डे अरमास के ड्रामा स्कूल का दौरा किया और ऑडिशन के दौरान सोलह वर्षीय को बाधित करके उसे बताया कि भूमिका उसकी थी चौबीस छब्बीस वह फिल्म के प्रचार दौरे के हिस्से के रूप में स्पेन गई और जुआन लांजा से उनका परिचय हुआ जो बाद में उनके स्पेनिश एजेंट बन गए चौबीस इसके बाद उन्होंने फिल्म एल एडेन पेडिडो दो में अभिनय किया और फर्नांडो पेरेज की मेड्रिकल 2007 में सहायक भूमिका निभाई जिसे उनके ड्रामा स्कूल के शिक्षकों की अनुमति के बिना रात में फिल्माया गया था न 18 साल की उम्र में डे आर्मस मैड्रिड चले गए पहुंचने के दो हफ्तों के भीतर वह कास्टिंग डायरेक्टर लुइस सैन नार्सिसो से मिली जिन्होंने उन्हें ऊना रोजा डी फ्रांसिया में देखा था चौदह दो महीने बाद सत्ताईस उन्होंने उन्हें ड्रामा एल इंटरनेडो में कैरोलिना के रूप में कास्ट किया नौ जिसमें उन्होंने 2007 से 2010 तक छह सीजन के लिए अभिनय किए बोर्डिंग स्कूल में सेट किया गया यह टेलीविजन शो दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गया और डे आर्मस को स्पेन में एक सेलिब्रिटी फिगर बना दिए नौ फिल्मांकन से ब्रेक में उन्होंने सफल आने वाली उम्र की कॉमेडी मेंटिरस वाई गोटास दो में अभिनय किए अट्ठाईस एल इंटरनेडो की लोकप्रियता के बावजूद डे आर्मस ने टाइपकास्ट महसूस किया और उन्हें मुख्य रूप से युवाओं के रूप में भूमिकाएं ऑफर की गई कौदय दो eh. में सैन सेबेस्टियन बेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डी अरमास डी अरमास ने जॉयस कैरोल ओट्स के इसी नाम के जीवनी कथा उपन्यास पर आधारित नेटफ्लिक्स बायोपिक ब्लोंड 2022 में मलिन मुनरो नोर्मा जीन के रूप में को चित्रित किए अस्सी निर्देशक एंड्रे डोमिनिक ने नॉक नॉक इक्यासी में डी अरमास के प्रदर्शन को देखा और जबकि वह एक लंबी कास्टिंग प्रक्रिया से गुजरी डोमिनिक ने पहले ऑडिशन के बाद उनके लिए भूमिका सुरक्षित कर 82, तैयारी में डी अरमास ने एक साल तक एक बोली कोच के साथ काम किया तिरासी सात तीन ओट्स का उपन्यास पाया और यह भी कहा कि उन्होंने भूमिका की तैयारी के लिए सैकड़ों तस्वीरों वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग और फिल्मों का अध्ययन किए कौरासी उनकी कास्टिंग के प्रति आलोचना के बावजूद उनके पास एक उल्लेखनीय स्पेनिश उच्चारण होने के कारण डी आरमास के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई एम्पायर की कैथरीन ब्रे ने डी आर्मस के प्रदर्शन को शक्तिशाली करार दिया जबकि वेनिटी फेयर के रिचर्ड लॉसन ने टिप्पणी की डी आर्मस ने भूमिका के प्रति बहुत ही लगभग डरावने तरीके से प्रतिबद्धता दिखाई और आंसू चीख और आघात के हर झोंके के माध्यम से उच्च और केंद्रित ऊर्जा बनाए रखी पचासी छियासी सत्तासी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला इसके अलावा उन्हें इसी श्रेणी में बाफ्टा गोल्डन ग्लोब और एसएजी पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला डी अरमास ने अगली बार एप्पल टीवी प्लस एक्शन कॉमेडी फिल्म घोस्टेड दो में अभिनय किए नब्बे द गार्जियन के बेंजामिन ली ने फिल्म और डी अरमास और इवांस के बीच के मिस्त्री की कमी की आलोचना की इक्यानवे वह अगली बार एक्शन थ्रिलर फ्रॉम द वर्ड ऑफ जॉन विक बेलेना में एक हत्यारे की शीर्षक भूमिका निभाएंगी जो जॉन विक फ्रेंचाइजी का स्पिन व्यक्तिगत जीवन डी अरमास ने 2010 के मध्य में स्पेनिश अभिनेता मार्क क्लॉटेट के साथ एक रिश्ता शुरू किया और उन्होंने जुलाई 2011 में कोस्टा ब्रावा में शादी कर दो हजार तेरह की शुरुआत में उनका तलाक हो गए तिरानवे कौरानवे 2019 के अंत में डीप वॉटर के सेट पर मिलने के बाद डी अरमास ने मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक अमेरिकी अभिनेता बेन एफ्लेक को डेट किए पचानवे छियानवे इसके बाद उन्होंने टिंडर के कार्यकारी पॉल बोकाराकिस के साथ एक रिश्ता शुरू किए सत्तानवे अट्ठानवे निन्यानवे डी अरमास के पास क्यूबा और स्पेन की दोहरी नागरिकता है एक सौ व छबीस साल की उम्र में लॉस एंजल्स चली गई और दो तक वर्मोन्त में रहती है एक एक पंद्रह अप्रैल 2023 को सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें तीन सप्ताह में अमेरिकी नागरिकता मिल जाएगी। एक फिल्मोग्राफी टाइबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2006 फ्रांस का एक गुलाब मैरी 2007 हजार सात मद्रीगल स्टेला मैरिस 2009 हजार सेक्स पार्टी और झूठ कैरोला मूल स्पेनिश शीर्षक में वाई और पद से क्या लड़की लघु फिल्म एनिमा जूलिएटा लघु फिल्म 2011 अंधी गली रोजा बटावरा मूल स्पेनिश शीर्षक एल कैलेजोन 2012 हजार बारह पेरिटो चिनो सबीना लघु फिल्म 2013 हजार तेरह फेराडे डी अरामास ने टॉड फिलिप्स की वॉर डॉग्स दो में सहायक भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने माइल्स के साथ एक हथियार डीलर की पत्नी की भूमिका निभाई थी और फिर से अपनी पंक्तियों को ध्वनियात्मक रूप से सीखा था चालीस इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने उन्हें एक कृतज्ञ भूमिका में यादगार पायन इकतालीस उन्होंने पनामा के मुक्केबाज रॉबर्टो दुरान की पत्नी के रूप में बायोपिक एंस ऑफ स्टोन 2016 में एनगर रामिरेज के साथ अभिनय किए इसकी देरी से रिलीज होने के बावजूद एंस ऑफ स्टोन पहली हॉलीवुड फिल्म थी जिसे डी अरामास ने फिल्म आया था एल इंटरनेडो उनतीस में उन्हें देखने के बाद मैड्रिड में रहते हुए निर्देशक जोनाथन जकुबोविकर ने उनसे संपर्क किया तेरह फिल्म की समीक्षा करते हुए रोजरेबर्थ डॉट कॉम की क्रिस्टी लेमायो ने डे आर्मस को एक बेहद करिश्माई उपस्थिति के रूप में वर्णित किए लेकिन कुछ दिखावटी क्षणों को छोड़कर उन्हें कर्तव्यनिष्ठ पत्नी के रूप में कार्य करने के अलावा कुछ खास करने को नहीं मिलता है बेलीस डेनिस विलेनुवे की भविष्य की थ्रिलर ब्लेन रनर दो हजार उनचास दो हजार सत्रह में डे आर्मस ने जोई के रूप में सहायक भूमिका निभाई थी जो रयान गोसलिंग के चरित्र ब्लेन रनर की होलोग्राफी के आई प्रेमिका थे द गार्जियन के मार्क केरमोड ने कहा कि वह एक ऐसे चरित्र में त्रिआयामी गर्मी लाती है जो अनिवार्य रूप से एक डिजिटल प्रक्षेपण है तैंतालीस द न्यूयॉर्कर के एंथनी लेन ने उन्हें अद्भुत पाया जब भी जोई दिखाई देती है फिल्म का कल्पनाशील दिल दौड़ने लगता है चवालीस जबकि प्रदर्शन की शुरुआत में एक सफल भूमिका के रूप में चर्चा की गई थी पैंतालीस बत्तीस फिल्म ने व्यावसायिक रूप से कम प्रदर्शन किया और डे आर्मस ने अगले वर्ष का अधिकांश समय अपने मूल क्यूबा में बिताया जहां उन्होंने एक घर खरीद चौंतीस छियालीस हॉलीवुड रिपोर्टर के स्टीफन डाल्टन ने लिखा कि वह अपनी कृतज्ञ सहायक भूमिका की तुलना में अधिक दमदार करिश्मा बिखेरती है सैंतालीस दो में डे आर्मस दो में डे आर्मस ने जॉन हिलकोद के मेडिकल ड्रामा कोराजोन में डेमियन बिचिर के साथ अभिनय किए उन्होंने शॉर्ट फिल्म में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से पीड़ित एक डोमिनिकन महिला की भूमिका निभाई जिसे अंगदान के बारे में जागरूकता बयाने के लिए मोंटेफियोर मेडिकल सेंटर द्वारा वित्त पोषित किया गया था अड़तालीस जबकि 2019 की रोमांटिक कॉमेडी एस्टरडे में हिमेश पटेल के साथ डे आर्मस के दृश्य फिल्म के थ्रेलर में शामिल किए गए थे उन्हें अंतिम उत्पाद से काट दिया गया था निर्देशक डैनी बॉयल ने कहा कि जबकि डे आर्मस अपने दृश्यों में वास्तव में उज्जवल थी एक प्रेम त्रिकोण उपकथानक की शुरुआत दर्शकों के साथ अच्छी तरह से परीक्षण नहीं की गई थी उनचाइस रियान जॉनसन द्वारा लिखित और निर्देशित मर्डर मिस्ट्री फिल्म नाइब्स आउट 2019 हजार में एक अप्रवासी नर्स के रूप में डी आरामास की भूमिका की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और यह अभिनेत्री के लिए एक सफलता थी। पचास जब पहली बार इस परियोजना के बारे में संपर्क किया गया तो वह एक स्टीरियोटाइपिकल लेटिना केयरटेकर की भूमिका निभाने के विचार से उत्साहित नहीं थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका चरित्र इससे कहीं अधिक है इक्यावन द टाइम्स के टॉम शॉन ने टिप्पणी की फिल्म का स्टैंड आउट प्रदर्शन इसके सबसे कम प्रसिद्ध सदस्य क्यूबा के डी आरामास से आता है जो अच्छाई को दिलचस्प बनाने के कठिन कार्य का प्रबंधन करता है बावन द गार्जियन के बेंजामिन ली ने कहा कि उनके हड़ताली प्रदर्शन ने स्थाई छाप छोड़ तिरपन चरवन दी आर्मस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था पचपन साथ ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सेटन अवार्ड और कलाकारों के साथ सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड भी जीताई छप्पन डी अरामास ने संयुक्त राज्य अमेरिका में २०२० में रिलीज़ हुई चार फिल्मों में अभिनय किए क्राइम थ्रिलर द इन्फॉर्मर में जोयल किन्न नानम के किरदार की पत्नी के रूप में उनकी सहायक भूमिका थी सत्तावन वैरायटी के गाय लॉज ने पाया कि उनकी पतली भूमिका उनके नाइव्स आउट स्टारडम के मद्देनजर और भी अधिक चमकदार हो गई है अट्ठावन वह नॉयर क्राइम ड्रामा द नाइट क्लर्क में एक फेम फेटिल के रूप में दिखाई दी उनसठ रॉजरिबर्ड डॉट कॉम के ब्रायन टेलेरिको ने कहा कि फिल्म को कोई विचार नहीं था कि उसके चमकदार करिश्मे के साथ क्या करना है साठ जबकि द एवी क्लब की केटी टी राइफ़ ने टिप्पणी की कि इसे याद किया जाएगा अगर बिल्कुल भी एक फ़िल्म के रूप में डी आरामास बहुत अच्छा था इकसट द हॉलीवुड रिपोर्टर के जॉन डेफोर्ड ने उन्हें चुंबकीय पाया बासत जबकि वैरायटी की जेसिका कियांग ने कहा कि उन्होंने इस भूमिका को एक बुद्धिमत्ता और इच्छाशक्ति से भर दिया है जो उन्हें रेमेलो की रोमांटिक फ्वाइल से कहीं अधिक बनाता है तिरसठ डे आर्मस ने ओलिवियर असायास की नेटफ्लिक्स जासूसी थ्रिलर वास्प नेटवर्क में क्यूबा के पांच लोगों में से एक की पत्नी की भूमिका निभाने के लिए मोरा के साथ फिर से काम किए कौनसट फिल्म की शूटिंग क्यूबा में हुई थी किशोरावस्था में देश छोड़ने के बाद यह डे आर्मस का अपने देश में पहला काम था फैंसट द न्यू यॉर्क टाइम्स के ग्लेन केनी ने उन्हें शानदार पाया छिया जबकि वैरायटी के जेवीसबर्ग ने उन्हें एक हर्षित मनमोहक उपस्थिति के रूप में वर्णित किया जिसका करियर बड़े समय के लिए किस्मत में है सरसक प्रमुख भूमिकाएं और आगे की मान्यता दो दो एक वर्तमान 2021 में डे और मास ने कैरी जोजी फुकुनागा की नो टाइम टू डाई में बॉन्ड गर्ल की भूमिका निभाने के लिए डेनियल क्रेक के साथ फिर से काम किए अड़सठ उनहत्तर फुकुनागा ने डे और मास को ध्यान में रखते हुए क्यूबा के सीआईए एजेंट का किरदार लिखा था सत्तर उसने किरदार को चुलबुली और बहुत गैर जिम्मेदार बताए अड़सठ नो टाइम टू डाई में अपनी छोटी उपस्थिति में उसका किरदार पालोमा थोड़ा प्रशिक्षण होने का दावा करता है लेकिन लड़ते समय अत्यधिक कुशल साबित होता है इकहत्तर नो टाइम टू डाई एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में सात मिलियन डॉलर की कमाई की और सकारात्मक समीक्षा अर्जित की बेहतर तिहत्तर कौहत्तर पचहत्तर द गार्जियन के पीटर ब्रेड ने छिहत्तर डे आर्मस ने पेट्रीसिया हाईस्मिथ्स के उपन्यास पर आधारित एड्रियन लिन की कामुक थ्रिलर डीप वॉटर में अभिनय किए वह और बेन एफ्लेक एक खुले विवाह में एक जोड़े की भूमिका निभाते हैं सतहत्तर अठहत्तर दो में डे आर्मस ने रुसो भाइयों की नेटफ्लिक्स एक्शन थ्रिलर द ग्रे मैन में अभिनय किए उनासी न तो डीप वॉटर और न ही द ग्रे मैन आलोचकों और दर्शकों के साथ विशेष रूप से सफल रहे उनके पिता ने ह्यूस्टन को न्यूयॉर्क माफिया कबीले के मुखिया की बेटी मेरोज के रूप में कास्ट किया जिसका प्यार एक हित मैन द्वारा तिरस्कृत किया जाता है फ़िल्म रूपांतरण प्रिजीज ऑनर 1985 में जिसमें निकोलसन भी था उन्हें अपनी भूमिका के लिए सैगाफ्तर स्केल दर चौदह हजार यूएस डॉलर का भुगतान किया गया था जब उनके एजेंट ने फिल्म के निर्माता को यह अनुरोध करने के लिए बुलाया कि क्या उन्हें अधिक भुगतान किया जा सकता है तो उन्हें कहा गया भार में जा मेरे मेहमान बनो अधिक पैसे मांग हम उन्हें इस फिल्म में भी नहीं चाहते ह्यूस्टन जो न केवल जॉन ह्यूस्टन की बेटी थीं, बल्कि उस समय जैक निकोलसन की प्रेमिका भी थीं, ने अपने 2014 के संस्मरण वॉच मी में लिखा कि उन्होंने बाद में एक प्रोडक्शन वर्कर को यर कहते हुए सुना उसके पिता निर्देशक है उसका प्रेमी स्टार है और उसके पास कोई प्रतिभा नहीं है सत्रह फिर भी ह्यूस्टन ने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक नोटिस प्राप्त किए न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके किरदार को एक अद्भुत किरदार बताया जो उनके आत्महीन करने वाले चुटकुलों मैं एक पारिवारिक घोटाला हूँ मुझे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है से कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है उनकी उपस्थिति दिलचस्प है और अगर निर्देशक की बेटी मिस ह्यूस्टन को इस प्रदर्शन के लिए ऑस्कर नामांकन नहीं मिलता है तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा अठारह वास्तव में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार जीता जिससे वह ऑस्कर जीतने वाली अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी बन गई हस्तन ने जॉर्ज लुकास द्वारा लिखित और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला द्वारा निर्देशित सत्रह मिनट की तीस यूएस डॉलर मिलियन की तीन डी फिल्म कैप्टन ईओ में माइकल जैक्सन के साथ अभिनय किया जो उन्नीस में डिज्नीलैंड और एपकोत में और बाद में टोक्यो डिज्नीलैंड और यूरो डिज्नीलैंड में चल उन्नीस कोपोला ने अगली बार उन्हें गार्डन ऑफ स्टोन उन्नीस में एक सेना प्लाटून सार्जेंट की प्रेमिका के रूप में लिया यह फ़िल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के घरेलू मोर्चे पर वियतनाम युद्ध के प्रभाव से निपटती थी बीस फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने सहकलाकार जेम्स कान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन के मिस्त्री की प्रशंसा की और टिप्पणी की कि कान और हस्तन के बीच का रोमांस हाल की फ़िल्मों में महान वैस प्रेम कहानियों में से एक है इक्कीस हस्तन ने अपने पिता की आखिरी फ़िल्म उन्नीस की द डेड में एक शिक्षाविद की पत्नी की भूमिका निभाई उनके अनुसार उनके पिता अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद एक फ़िल्म निर्माण विशेषज्ञ बने रहे वह बहुत बीमार थे लेकिन वह सचमुच अपनी आंखें बंद करके इसे कर सकते छई वह जानते थे कि कैमरा रोल होने से बहुत पहले हमें कब टेक लेना है मेरा मतलब है कि समय इतना सटीक था कि वह सब कुछ बता सकते थे बिल्कुल कैसे होने वाला था दस फिल्मांकन और अपने पिता के स्वास्थ्य को बिगड़ते देखने के दबाव ने एंजेलिका हस्तन के अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिससे निर्माण के दौरान बार सिंड्रोम विकसित हो गए दस जॉन की मृत्यु फिल्म की रिलीज की तारीख से लगभग चार महीने पहले हुई जिस पर इसे साठवें अकादमी पुरस्कारों में दो नामांकन मिले उन्नीस में ह्यूस्टन ने मिस्टर नॉर्थ में एक आकर्षक बहुप्रतिभाशाली मध्यमवर्गीय येल विश्वविद्यालय के स्नातक की प्रेमिका की भूमिका निभाई जो कि एक पारिवारिक परियोजना थी जिसका निर्देशन सौतेले भाई डैनी ह्यूस्टन ने किया था और फिल्म रूपांतरण ए हैंडफुल ऑफ डस्ट में एक छोटी भूमिका निभाई सीमित स्क्रीन समय के बावजूद द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी ने बाद में उनके चित्रण की प्रशंसा करते हुए इसे एकल सबसे शानदार प्रदर्शन बताया लेकिन फिल्म को बहुत शाब्दिक और वास्तविक बिंदु से रहित कह बाईस आलोचनात्मक और लोकप्रिय मान्यता उन्नीस से उन्नीस ह्यूस्टन ने वुडी एलेन की ड्रामा क्राइम्स एंड मिस्टेमिनर्स उन्नीस में एक सम्मानित पारिवारिक व्यक्ति के साथ संबंध रखने वाली फ्लाइट अटेंडेंट की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए बाफ्टा नामांकन अर्जित किए उन्नीस में रिलीज हुई ड्रामा एनिमीज ए लव स्टोरी में उन्हें होलोकॉस्ट उत्तरजीवी की लंबे समय से गायब पत्नी के रूप में दिखाया गए फिल्म के लिए एक सकारात्मक समीक्षा में रोजर एबर्क ने जोर देकर कहा कुछ हिस्से विशेष रूप से ह्यूस्टन के साथ दृश्य एक अजीब तरह से दिल को छू लेने वाले हैं। क्योंकि वे एक इंसान को दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करते हुए दिखाते हैं तेईस अपनी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला उन्नीस में रोआल डाहल की इसी नाम की किताब पर आधारित दितेस उन्नीस सौ में हस्तन ने ग्रैंड हाईविच की भूमिका निभाई जो दुनिया की चुरैलों की सर्वशक्तिमान नेता थी वह और कॉस्ट्यूम डिजाइनर मेरिट एलन मूल रूप से भूमिका के लिए एक अलग पोशाक लेकर आए थे लेकिन निर्देशक निकोलस रोग ने इसे सेक्सी नहीं कहकर अस्वीकार कर दिए हस्तन ने याद किया यह पहली बार था जब मैंने कल्पना की थी कि बच्चों की फिल्म में इस भयानक प्राणी में सेक्स अपील होनी चाहिए यह मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था लेकिन निश्चित रूप से निक बिल्कुल सही था उनकी दृष्टि शैतानी और अंधकारमय और शानदार रूप से मजेदार थी अगर एक चुरैल को इस कथानक के केंद्र में होना था तो उसे ध्यान खींचने के लिए सेक्सी होना चाहिए चौबीस चरित्र का राक्षसी संस्करण जिम हेंसन की क्रिएटर शॉप द्वारा तैयार किया गया था और इसे लगाने में छह घंटे से अधिक समय लगा और दिन के अंत में इसे हटाने में भी लगभग उतना ही समय लगा चौबीस बॉक्स ऑफिस पर निराशाजन प्रतिक्रिया के बावजूद फ़िल्म को आलोचकों द्वारा सराहा गया और पिछले कुछ वर्षों में इसने एक पंथ का अनुसरण प्राप्त किया है यह हस्तन की पसंदीदा भूमिकाओं में से एक बनी हुई है पच्चीस उन्नीस में हस्तन ने रेलियोटा के साथ नियोनोअर्फिनिक्स सेंतीस में एक बाध्यकारी जुआरी के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी एक महिला की भूमिका निभाई साथ ही विंसेंट गैलो की स्वतंत्र ड्रामा बफेलो छियासत में एक परेशान आदमी की मां की भूमिका निभाई जिसमें गैलो ने उनके बेटे की भूमिका निभाई और उन्हें क्रिस्टीना रिक्की के साथ फिर से जोड़ निर्देशक को अपने कलाकारों और चालक दल के साथ काम करने में कठिनाई हुई और कथित तौर पर सिद्ध पर हस्तन के साथ उनका तालमेल नहीं बैठाएं उन्होंने दावा किया कि उनकी वजह से फिल्म को कान फिल्म महोत्सव द्वारा अस्वीकार कर दिया गए अड़तीस उनका अगला निर्देशन प्रयास आयरिश ड्रामा एग्नेस ब्राउन उन्नीस सौ निन्यानवे जिसमें उन्होंने शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय किया को मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स के समीक्षक स्टीफन होल्डन ने पाया कि यह एक कामकाजी वर्ग के संत के चित्र में लीले ढंग से बुने गए घरेलू नाटकों की श्रृंखला से अधिक कुछ नहीं है उनतालीस फिर भी फिल्म ने 1999 के सेंट सेबेस्टियन सेंसेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यूथ जूरी पुरस्कार जीता और उसी वर्ष गेंट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स नामांकन प्राप्त किए उद्धरण वांछित ह्यूस्टन जेम्स आइवरी की पीरियड ड्रामा द गोल्डन बाउल दो में जेम्स फॉक्स निक नोल्टे किड बेकिसले और उमा थुरमन के साथ एक समृद्ध अंग्रेज़ी महिला के रूप में दिखाई दीन जो हेनरी जेम्स के इसी नाम के 1904 के उपन्यास पर आधारित थे कैलीस वेस एंडरसन के साथ फिल्में 2001 से 2007 हजार सात द रॉयल टेनबम्स दो में निर्देशक वेस एंडरसन के साथ उनका पहला सहयोग हस्तन ने जीन एक्मेन ग्वेनेथ पाल्ट्रो, बेन स्टीलर और ल्यूक विल्सन के साथ पूर्व बाल प्रतिभाओं के एक अलग परिवार की मृदुभाषी कुलमाता की भूमिका निभाई। निर्माण के दौरान एंडरसन ने हस्तन को अपनी मां की तस्वीरें दीं जो एथलीन की तरह एक पुरातत्वविद थीं हस्तन ने कहा वे अपनी मां की एविएटर जैकेट या पुरातात्विक खुदाई में तस्वीरें भेजते थे और वह बहुत विशेष रूप से चाहते थे कि मैं एक निश्चित लॉकेट पहनूं। अंत में मैंने उनसे पूछा वेस क्या मैं आपकी मां की भूमिका निभा रही हूं एंडरसन ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं था एंडरसन और हस्तन का एक मैन के साथ तनावपूर्ण संबंध था जो हमेशा सेब पर मिलनसार नहीं रहते इकतालीस पहले दिन जब एकमैन और ह्यूस्टन एक साथ एक दृश्य में दिखाई दिए तो ह्यूस्टन को उन्हें ठप्पर मारना था और बाद में उन्होंने कहा कि वह ठप्पर असली था और मैंने उन्हें बहुत जोरदार ठप्पर मार मैंने उनके गाल पर अपने हाथ की छाप देखी और मुझे लगा वह मुझे मार डालेंगे इकतालीस शुरुआती दृश्यों में युवा मार्गोद के जन्मदिन के दृश्य के दौरान ह्यूस्टन के बालों में जन्मदिन की मोमबत्ती से आग लग गई एंडरसन ने कुमार पल्लाना को ह्यूस्टन के गंभीर रूप से घायल होने से पहले आग बुझाने का श्रेय दिए इकतालीस द रॉयल टेनेब्बम्स को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसने दुनिया भर में इकहत्तर मिलियन अमेरिकी डॉलर कमान बेलीस दो में ह्यूस्टन ने मैरियन जिमर ब्रैडली के उन्नीस के इसी शीर्षक वाले उपन्यास पर आधारित टीएनटी मिनीस्रीज द मिस ऑफ एवलॉन में विवियन लेडी ऑफ द लेक के रूप में अभिनय किए इसके प्रीमियर के दौरान प्रोडक्शन को 30 मिलियन से अधिक अनडुप्लीकेट दर्शकों ने देखा जिससे यह बेसिक केबल पर गर्मियों की सबसे अधिक रेटिंग वाली मूल फिल्म बन गई और ह्यूस्टन को प्राइम टाइम एमी अवार्ड और स्क्रीन एक्टर स्किल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला 2002 में उन्होंने थ्रिलर ब्लर वर्क में एक पूर्व एफबीआई एजेंट क्लिन टीस्टवुड के डॉक्टर की भूमिका निभाई जो माइकल कोनेली के उन्नीस के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एक क्रूर हत्यारे जेफ डेनियल का पीछा करता है तैतालीस साथ ही जॉर्ज हिकेन लूपर की ब्लैक कॉमेडी द मैन फ्रॉम एलिसियन फील्ड्स में एक ऐसे व्यक्ति के लंबे समय के ग्राहक की भूमिका निभाई दोनों फिल्मों की आलोचनात्मक और व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं के बावजूद वैरायटी के टॉड मैक ने महसूस किया कि एलिसियन फील्ड्स में उनके चरित्र को अभिनेत री द्वारा उत्साहपूर्ण आनंद के साथ निभाया गया चवालीस जबकि रोजर एबर्क ने फिल्म को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक बताए पैंतालीस डेडी डे केयर 2003, जिसमें एडी मर्फी ने सहाअिनय किया था में हस्तन को एक महंगे और अतिशैक्षणिक प्री स्कूल के निर्दय प्रमुख के रूप में दिखाया गया था स्लैंथ ने फिल्म की आलोचनात्मक समीक्षा में उल्लेख किया कि हस्टन एक दमघोंटू डे केयर मालकिन की भूमिका में शर्मनाक दृढ़ विश्वास लाती है डैडी डे दे केयर केवल थिएटर जाने वाले लोगों की संतानों को शांत करने के लिए मौजूद है और जबकि फिल्म की संयम की भावना काम करनी चाहिए दवितेज की अपेक्षा न करें छियालीस फिर भी रिलीज एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की सैंतालीस 2004 में हस्तन ने एचबीओ फिल्म आयरन जॉर्ड एंजल्स में हिलेरी स्वांग फ्रांसिस ओकॉनर और जूलिया ओरमंड के साथ महिला मताधिकार नेता कैरी चैपमैन कैट की भूमिका निभाई अपनी भूमिका के लिए उन्हें एक सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रृंखला मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब और सैटेलाइट पुरस्कार जीताए द लाइफ एक्वेटिक विद स्टीव दो 2004 में वेस एंडरसन के साथ उनकी दूसरी फिल्म में हस्तन ने एक विलक्षण समुद्र विज्ञानी की अलग हुई पत्नी का किरदार निभाए रोजर एबर्फ ने देखा कि अभिनेत्री निजी तौर पर खुश लगती है 48 कलाकारों के एक सदस्य के रूप में उन्होंने बोस्टन सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स और क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स से सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए नामांकन प्राप्त किए ह्यूस्टन ने अपने निर्देशन के तीसरे प्रयास वॉलमार्क चैनल ड्रामा राइडिंग द बस विद माय सिस्टर 2005 को एमिल्टन ओंटारियो कनाडा में फिल्म आए उन्चाइस इसे राहेल साइमन द्वारा दो दो के संस्मरण से रूपांतरित किया गया था और इसमें रोजी ओडोनेल और एंडी मैकडोवेल ने अभिनय किया था पुस्तक के विपरीत फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने आमतौर पर फिल्म के डाउन सिंड्रोम के घोर चित्रण की आलोचना की पचास हालांकि उसने कहा मुझे लगता है कि फिल्म काफी सीधे दृष्टिकोण से आती है इक्यावन दो में हस्तन को द्रामेडी आर्ट स्कूल कॉन्फिडेंशियल में एक कला शिक्षिका सीबीएस के लिए बनी थ्रिलर कवर्ट वन द हेड्स फैक्टर में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति कॉमेडी मैटेरियल गर्स में एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय की मालिक संशोधनवादी वेस्टर्न सेराफिम फॉल्स में एक लुप्त हो जाने वाली खग और रोमांटिक ड्रामा दीज फुलिश थिंग्स में एक उत्साही संरक्षिका के रूप में दिखाया गया था सेराफिम फॉल्स को छोड़कर उपरुक्त फिल्मों में से किसी ने भी न तो आलोचकों और न ही दर्शकों के साथ अच्छा प्रदर्शन किए बावन यह उनकी तीसरी वेस एंडरसन फिल्म द दार्जिलिंग लिमिटेड 2007 हजार के साथ बदल गया जिसमें हस्तन ने तीन भाइयों की मां की भूमिका निभाई जो नन बन जाती है और हिमालय में एक ईसाई कॉन्वेंट में चली जाती है रोलिंग स्टोन के लिए पीटर ट्रेवर्स ने उन्हें फिल्म में एक डायनामाइट पाया वॉयस ओवर और टेलीविजन भूमिकाएं 2008 से 2016। क्योंकि वह यादों के कारण लंदन से भाग गई थी मुझे वास्तव में नहीं पता था कि मुझे अपने साथ क्या करना है और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरे पिता के इरादे मेरे लिए क्या थे क्या वह मुझे एक कॉन्वेंट में डालने जा रहे हैं या मुझे एक अभिनेत्री के रूप में लॉन्च करेंगे खैर उन्होंने पहले ही ऐसा करने की कोशिश की थी और हमें उस पहली फिल्म के निर्माण में काफी कठिनाई हुई थी जो हमने साथ में की थी बारह तेरह मॉडल जीन शिमपटन और त्विगी से प्रेरित होकर हस्तन ने मॉडलिंग को आगे बयाने का फैसला किया बारह उन्होंने इसे बहुत नवीन बताया क्योंकि उन्होंने जिप्सी लुक की पूरी तरह से कल्पना की थी बारह ह्यूस्टन बॉब रिचर्डसन की लगातार चर्चा में रही जिनके साथ वह उन्नीस तक रही चौदह उन्हें फोर्ड मॉडल्स के साथ अनुबंधित किया गया और 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने यूरोप में कुछ सालों तक काम किए 12. उन्होंने जेंद्रा रोड्स यामामोटो अरमानी और वेलेंटिनो जैसे ब्रांडों के लिए रनवे पर कदम रखाए पेट क्लीवलैंड पेट एस्ट एल्सा पेरेटी करेन ब्योर्नसन और अल्वाचिन के साथ वह फैशन डिजाइनर एयरस्टन की पसंदीदा मॉडल मंडली में से एक बन गई जिन्हें हेरसनेट्स का उपनाम दिया गए पंद्रह सोलह फिल्म में परिवर्तन और सफलता उन्नीस से उन्नीस सौ अट्ठासी रिचर्डसन से संबंध तोड़ने के बाद हस्टन ने अभिनेता जैक निकोलसन से मुलाकात की और अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कैलिफोर्निया चली गई बारह जबकि उन्होंने वहां तीन साल तक ज्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने एफ स्कॉट फिजगेराल के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित द लास्ट टाइकून उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका निभाए जेम्स सेम कैन के उपन्यास पर आधारित बॉब राफेल्सन की रीमेक द पोस्टमैन ऑलवेज अवेज रिंग सतवाइस उन्नीस में हस्तन ने डिप्रेशन के एक आवारा की भूमिका निभाई जिसे निकोलसन ने निभाया था साइंस फिक्शन फिल्म द आई स्पाइरेट्स उन्नीस में बड़ी भूमिका पाने से पहले वह कुछ समय के लिए ड्रामा फ्रांसिस उन्नीस और मॉक्यूमेंट्री दिस इज स्पाइनल टैप उन्नीस में दिखाई दी हस्टन ने अगली बार न्योनोयर थ्रिलर द ग्रिफ्टर्स उन्नीस में एक अनुभवी खग की भूमिका निभाई निर्देशक स्टीफन फ्रीयर्स ने पहली बार उनसे लिली की भूमिका निभाने के लिए उन्नीस में संपर्क किया था जब वह क्राइम्स एंड मिस्टिमिनर्स फिल्म कर रही थीं लेकिन पटकथा पढ़ने के बाद वह अनिश्चित थी छब्बीस हालांकि वह कहानी और चरित्र से भरी खीन लेकिन पटकथा ने उन्हें अपनी स्पष्टता से चिंतित कर दिया था सत्ताईस कुछ महीने बाद फ्रीयर्स ने यह देखने के लिए फिर से हस्तन से संपर्क किया कि क्या वह अभी भी इच्छुक है छब्बीस अभी भी झिझकते हुए हस्तन की प्रतिभा एजेंट सुमेंगर्स ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा एंजेलिका अगर स्टीफन फ्रीयर्स आपसे कहता है कि वह चाहता है कि आप कोने में शौच करें फ्रीयर्स ने हस्तन को कास करने में शुरू में अनिच्छा दिखाई क्योंकि वह एक महिला की तरह दिखती थी लेकिन एक प्रक्षालित सुनहरे विग और अश्लील कपड़े के साथ उसके लुक को सस्ता करने के निर्णय के साथ हल हो गई अपने हिस्से पर शोध करने के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स काउंटी में कार्ड पार्लरों में महिला डीलरों का अध्ययन किए छब्बीस उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किए हस्टन ने द एडम्स फैमिली उन्नीस में टाइटैनिक परिवार की सख्त अलग थलग रहने वाली कुलमाता मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका प्राप्त की उन्होंने चरित्र को अधिक कर्मजोशी देने के लिए अपने प्रदर्शन के पहलुओं को अपने दोस्त जेरी हॉल पर आधारित किया और अपने 2014 के संस्मरण वॉचमी में उन्होंने फिल्मांकन को लंबा और कठिन बताए 28 यह निर्णय लिया गया कि मोर्टिसिया के चरित्र की आंखें ऊपर की ओर झुकी हुई होनी चाहिए यह प्रभाव हस्तन के सिर के पीछे एक लोचदार पट्टा लगाकर उसके मंदिरों पर चिपके कपड़े के टैब के माध्यम से प्राप्त किया गया था जिसने उसकी आंखों के कोनों को ऊपर की ओर खींचाई सत्ताईस बैन ने हस्तन को काफ़ी असुविधा का कारण बना दिया और हस्तन के सिर के थोड़े से मोड़ पर टूट जाता सत्ताईस द एडम्स फैमिली एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक सौ इक्यानवे मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की 29, और इसके सीक्वल एडम्स फैमिली वैल्यूज उन्नीस सौ तिरानवे को प्रेरित किए दोनों किस्तों के लिए ह्यूस्टन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन प्राप्त किए तीस व्यंग्य द प्लेयर उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका के बाद हस्तन ने मैनहट्टन मर्डर मिस्त्री में वुडी एलेन के साथ फिर से काम किया जिसमें उन्होंने अपने पड़ोसी की पत्नी की मौत की जांच कर रहे विवाहित जोड़े के दोस्त की भूमिका निभाई और एबीसी मिनीसरीज फैमिली पिक्चर्स में अपने ऑटिस्टिक बच्चे के पालन पोषण के लिए संघर्ष कर रही मां की भूमिका भी निभाई उन्हें मैनहट्टन मर्डर मिस्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए बाफ्टा नामांकन मिला और फैमिली पिक्चर्स के लिए इक्यावनवे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिनीसरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए नामांकन मिला उन्नीस में हस्तन ने कॉमेडी द पेरेस फैमिली में अमेरिका में रहने का प्रयास कर रहे क्यूबा के शरणार्थी की भूमिका निभाई 1990 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 32 सीबीएस मिनी बफेलो गर्ल्स जिसमें उन्होंने फ्रंटियर वुमन कैलेमिटी जेन के रूप में अभिनय किया मेलानी ग्रिफिथ और रेबा मैक के साथ ने ह्यूस्टन को मिनी या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार नामांकन दिलाए निर्देशन एक से दो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने के विचार पर विचार करने के बाद ह्यूस्टन ने विवेकपूर्ण प्रयास करना शुरू कर दिया और हॉलीवुड में ऐसी सामग्री का पीछा करना शुरू कर दिया जिसे निर्देशित करने के लिए वह आकर्षित महसूस करती थी। ह्यूस्टन के अनुसार स्टूडियो की समग्र प्रतिक्रिया त्वरित और सकारात्मक थी हमेशा की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर उन्होंने मुझे जो पेशकश की उसका हमेशा मेरे पिता से कुछ लेना देना था मैं प्रिजीज ऑनर का सीक्वल नहीं बनाना चाहती थी प्रिजी उन्हीं की है मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो सफल हो या असफल मेरा अपना हो तैंतीस उन्हें यह ड्रामा बास्टर्ड आउट ऑफ कैरोलिना में मिला जो एलिसन के एक उपन्यास पर आधारित है जो एक करीब लड़की के बारे में है जो शारीरिक और यौन शोषण सहती है इसे उन्नीस के कान फिल्म समारोह में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में दिखाया गया था चौंतीस और शोटाइम पर एक टेलीविज़न फिल्म के रूप में पहली बार दिखाया गया था उन्हें मिनिस्ट्रीज या स्पेशल के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था एवर आफ्टर ए सिंड्रेला स्टोरी उन्नीस में सिंड्रेला कहानी की एक आधुनिक उत्तर नारीवादी व्याख्या पैंतीस ध्रु बेरीमोर और मेलानी लिनस्की के साथ हस्तन बैरोनेस रोडमिला डी गेंद के रूप में दिखाई दीन जो एक अमीर विधुर औगस्ते डी बारबराक की नई पत्नी थी फिल्म को आलोचकों द्वारा सराहा गया और इसने वैश्विक स्तर पर अट्ठानवे मिलियन अमेरिकी डॉलर की सम्मानजनक कमाई की छत्तीस एंटरटेनमेंट वीकली से लिसा श्वार्साम ने एक क्रूर सौतेलिमा के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की हस्तन अत्यधिक सिर के असाधारण चयन में इधर उधर टहलते हुए बहुत सी आंखें सिकोड़ती और बौने उठाती है उनके साथ उनकी दो कम से कम आत्मवास्तविक बेटियां होती है घमंडी सामाजिक चढ़ाई करने वाली बुरी मार्गोराइट और मंद लेलेदार गुप्त रूप से अच्छी जैकलीन चोक 2008 हज़ार आठ क्लार्क ग्रेग द्वारा निर्देशित एक ब्लैक कॉमेडी और चकपलाहनी के 2001 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित में हस्टन ने औपनिवेशिक अमेरिका में एक सेक्स एडिक्ट की अस्पताल में भर्ती मां की भूमिका निभाई थी फिल्म के लिए समीक्षाएं मिश्रित थीं लेकिन एम्पायर के आलोचक फिलिप वाइल्डिंग ने लिखा हस्तन बीमार मान इडा के रूप में चुंबकीय है दोनों एक लुप्त होती अमान्य अजीवंत और फ्लैशबैक में विक्षिप्त के रूप में वह वह हुक है जिस पर उसका बेटा अपनी उम्मीदों और चिंताओं को लटकाता है इस बीच रोजर एबर्ट को लगा कि उनकी भूमिका द ग्रिफ्टर्स उन्नीस में उनके द्वारा निभाए गए आपराधिक चरित्र से मिलती जुलती है थेवन 2010 में दास रेनगोल्ड के मेट्रोपॉलिटन ओपेरा उद्घाटन पर हस्तन हस्तन ने दो ग्यारह में तीन लाइव एक्शन फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई पहली भूमिका मिस बैटेलेक्स की थी जो एक सख्त पर पीड़क स्कूल शिक्षिका है जो स्कॉटिश लहजे में बात करती है यह भूमिका उन्होंने निक मूर द्वारा निर्देशित तीन डी बच्चों की संगीत में साहसिक कॉमेडी होरिड हेनरी द मूवी में निभाई थी उन्हें अपना चरित्र अनूठा लगा उन्होंने द गार्जियन को बताया यह मेरे लिए बहुत ब्रिटिश सामग्री है और मैं हमेशा इन चरम चरित्रों की ओर अजीब तरह से आकर्षित होती रही हूं सत्तावन फिल्म को आलोचकों ने नकार दिया था लेकिन यह यूके में व्यावसायिक रूप से सफल रही अट्ठावन दो में उनका दूसरा प्रदर्शन ड्रामा पचास बड़ा पचास में एक घातक कैंसरग्रस्त ट्यूमर से पीड़ित व्यक्ति की मां की भूमिका में था जिसे जोनाथन लेविन ने निर्देशित किया था उनसठ डेविड स्मेडर ने स्ट्रेंजर में लिखते हुए तारकी कलाकारों की प्रशंसा की और महसूस किया कि हस्टन एडम की मुश्किल से नियंत्रित मां की भूमिका में एक ट्विस्टी प्रदर्शन के साथ प्रमुखता में वापस आती है साठ असफल द बिग ईयर 2011 की हस्तन की आखिरी लाइव एक्शन फिल्म ने उन्हें एक उत्साही पक्षी विज्ञानी के रूप में दिखाया जो समुद्री अभियानों का नेतृत्व करती है सत, हस्तन ने एनबीसी टेलीविजन श्रृंखला स्मैश 2012 से 2013 में ब्रॉडवे निर्माता एलिन रैंड के रूप में अभिनय किए बासत 2008 में अपने पति की मृत्यु के बाद हस्तन ने स्मैश को श्रृंखला टेलीविजन में अपना पहला नियमित उद्यम एक महत्वपूर्ण समय पर आने और अंत अपने जीवन में एक शून्य को भरने का श्रेय दिए तिरसत यह श्रृंखला दो सीजन के लिए प्रसारित हुई और आलोचनात्मक प्रशंसा का विषय थी कौनसथ बाद में अमेदन वीडियो सीरीज ट्रांसपेरेंट के दूसरे और तीसरे सीजन में विक के रूप में दिखाई दीन जो एक सिजेंडर महिला है जो यूसीएलए में राजनीति विज्ञान की एक सेवानिवृत्त कॉलेज प्रोफेसर मौरा के साथ संबंध बनाती है हॉरर कॉमेडी द क्लीन से 2016 हाल ही के कार्य दो शूने एक साथ वर्तमान 2017 में हस्टन ने ब्लैक कॉमेडी थर्स्ट स्त्रीत का वर्णन किया और कॉमेडी ट्रबल में अपने पिता की संपत्ति पर कब्जे को लेकर झगड़ते भाई भन की भूमिका में बिल पुलमैन के साथ अभिनय किए द हॉलीवुड रिपोर्टर के जॉन डेफोर ने बाद की फिल्म की प्रशंसा की जिस पर हस्टन एक कार्यकारी निर्माता थे उन्होंने लिखा कि कलाकार यहाँ एक लंबा सफर तय करते हैं प्रबल को कई बार छोटे शहर की एंग आउट फिल्म में बदल देते हैं जो उत्सव के दर्शकों को खुश कर देगी हस्तन ने जॉन विक चैप्टर तीन पैराबेलम 2019 में निर्देशक एक भारी आभूषणों से सजे रूसी बैले प्रशिक्षक की भूमिका निभाई और जिसे वल्चर ने छोटी लेकिन यादगार भूमिका के रूप में वर्णित किया दस जिसने दुनिया भर में यूएस 326 मिलियन कमाए और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की छियासठ 5 जून 2024 को यह घोषणा की गई कि ह्यूस्टन को आगामी बीबीसी अगाथा क्रिस्टी सीमित श्रृंखला टूवर्स जीरो में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है सरसक व्यक्तिगत जीवन हस्तन अभिनेता ग्रेगरी पेक की करीबी दोस्त थीं जिन्हें उनके पिता ने मोबी उन्नीस सौ में निर्देशित किया था दोनों की पहली मुलाकात फिल्म के सेत पर हुई थी जब वह चार साल की थीं जबकि पेक कैप्टन अहाब की वेशभूषा में छये दशकों बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद हस्तन ने पेक के साथ फिर से मुलाकात की और एक दोस्ती बनाए रखी जो उनकी मृत्यु तक चल अड़सठ मार्च 1977 में रोमन पोलास्की यौन शोषण मामले में हस्तन एक अनजाने गवार थीं जब उनका सामना पोलास्की और उनकी तेरह वर्षीय पीड़िता से उनके प्रेमी जैक निकोलसन के घर में संयोग से हुआ था सत्तर जब अधिकारियों ने पोलांस्की के खिलाफ आरोपों के सिलसिले में घर की तलाशी ली तो हस्तन को कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन पर कभी आरोप नहीं लगाया गया क्योंकि उनके हैंडबैग की तलाशी और जब्ती अवैध थी इकहत्तर हालांकि उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं देखा था लेकिन बाद में हस्तन अभियोजन पक्ष के एक अफवार गवार के रूप में पोलास्की के मुकदमे के इर्द गिर्द प्रचार में उलय गई हालांकि उन्हें अंत बुलाया नहीं गए बेहतर रिश्ते उन्नीस में सत्रह साल की उम्र में हस्तन ने फोटोग्राफर बॉब रिचर्डसन जो उस समय इकतालीस वर्ष के थे को डेट करना शुरू किया वे उस वर्ष से मार्च उन्नीस तक एक साथ रहे तिहत्तर एक महीने बाद वह जैक निकोलसन से उनकी छत्तीसवीं जन्मदिन की पार्टी में मिली और इस जोड़ी ने एक बार फिर से रिश्ता शुरू किया फिर कभी नहीं बना चौहत्तर जो उन्नीस तक चला जब मीडिया ने बताया कि उन्होंने रेबेका ब्रूसार के साथ एक बच्चे का पिता बन गया है तिहत्तर उन्नीस के दशक के अंत में निकोलसन से ब्रेक के दौरान हस्तन रयान ओ'नील के साथ शामिल थीं, जिन्होंने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की मई को ह्यूस्टन ने लगभग दो साल की प्रेमालाप के बाद मूर्तिकार रॉबर्ट ग्राहम से शादी कर यह जोड़ा 27 दिसंबर 2008 को अपनी मृत्यु तक वेनिस कैलिफोर्निया में उनहत्तर विंडवर्ड एवेन्यू में ग्राहम द्वारा डिजाइन किए गए तीन मंजिला छिहत्तर घर में रहता था उसके कोई बच्चे नहीं ऐसा और लाइफ टाइम इंटीमेट पोर्ट्रेट में उसने बताया कि उसने कई मौकों पर बच्चा पैदा करने की कोशिश की है सतहत्तर अपने संस्मरणों में हस्तन ने जेम्स फॉक्स डेविड बेली और मोनाको के राजकुमार अल्बर्ट के साथ रोमांस की पुष्टि की ग्यारह चौबीस उन्होंने एवर आफ्टर ए सिंड्रेला स्टोरी उन्नीस की शूटिंग के दौरान एक विवाहित व्यक्ति के साथ संबंध की बात भी स्वीकार की जिसे किताब में केवल डॉलिन के नाम से जाना जाता है कॉबीज 2013 में लैरी किंग के साथ एक साक्षात्कार में हस्तन ने कहा कि उनका कोई प्रेमी नहीं है और नहीं वह किसी की तलाश करती है सात अंजलिका हस्तन बटा टी एन बटा हेवस्टेन जन्म 8 जुलाई उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेत्री निर्देशक और मॉडल है जो अक्सर विलक्षण और विशिष्ट चरित्रों को चित्रित करने के लिए जानी जाती है उन्हें कई पुरस्कार जिनमें एक अकादमी पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार साथ ही तीन ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और छह प्राइम टाइम एमी पुरस्कार हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार से सम्मानित किया गए एक दो निर्देशक जॉन ह्यूस्टन की बेटी और अभिनेता वाल्टर ह्यूस्टन की पोती उन्होंने अनिच्छा से अपने पिता की ए वॉक विद लव एन डेथ उन्नीस में बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की ह्यूस्टन लंदन से न्यूयॉर्क शहर चली गईं जहां उन्होंने 1970 के दशक में एक मॉडल के रूप में काम किए उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में सक्रिय रूप से अभिनय करने का फैसला किया और बाद में प्रिजीज ऑनर उन्नीस में एक माफिया लड़की के रूप में अपने प्रदर्शन से उन्हें सफलता मिली जिसे उनके पिता ने ही निर्देशित किया था जिसके लिए वह अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली अपने परिवार की तीसरी पीएई बन गई जब उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता इस सम्मान में जॉन और वाल्टर ह्यूस्टन दोनों शामिल हुए उन्होंने क्राइम्स एंड मिस्टेमिनर्स उन्नीस सौ नवासी में एक रखेल की भूमिका निभाकर एनिमीज ए लव स्टोरी उन्नीस सौ नवासी में एक लंबे समय से गायब पत्नी की भूमिका निभाकर द ग्रिफ्टर्स उन्नीस सौ नब्बे में एक जालसाज की भूमिका निभाकर द विटेस उन्नीस सौ नब्बे में ग्रैंड हाई विच की भूमिका निभाकर एडम्स फैमिली फिल्मों एक हजार नौ सौ इक्यानवे से तिरानवे में मोटिसिया एडम्स की भूमिका निभाकर तथा मैनहट्टन मर्डर मिस्त्री उन्नीस सौ तिरानवे में एक साहसी लेखिका की भूमिका निभाकर आलोचनात्मक और लोकप्रिय पहचान हासिल की ह्यूस्टन ने बास्टर्ड आउट ऑफ कैरोलिना उन्नीस सौ छियानवे और एग्नेस ब्राउन उन्नीस सौ निन्यानवे फिल्मों का निर्देशन किया द रॉयल टेनेबम्स दो हजार एक द लाइफ एक्वेटिक विद स्टीव जिसो दो हजार चार और दार्जिलिंग लिमिटेड 2007 में निर्देशक वेस एंडरसन के साथ सहयोग किया और कई एनिमेटेड फिल्मों में अपनी आवाज दी मुख्य रूप से टिंकर बेल फ्रेंचाइज 2008 से 2015 उनकी अन्य फिल्मों में द क्रॉसिंग गार्ड उन्नीस एवर आफ्टर उन्नीस डैडी डे केयर दो चौक दो हजार बटा पचास दो और जॉन विक चैप्टर तीन पैराबेलम 2019 शामिल है उन्होंने मिनी सीरीज फैमिली पिक्चर्स उन्नीस सौ तिरानवे बथेलो गर्ल्स उन्नीस सौ पंचानवे और द मिस ऑफ एवलन दो हजार एक साथ ही साथ हफ दो हजार छह मीडियम दो हजार आठ से दो हजार नौ और ट्रांसपेरेंट दो हजार से दो हजार सोलह में भी काम किया है उन्होंने केबल फिल्म आयरन जॉर्ड एंजल्स दो हजार चार में कैरी चैपमैन कैट की भूमिका निभाने के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और स्मैश 2012 से 2013 में एलिन डेंट की भूमिका के लिए ग्रेसी अवार्ड जीत आई उन्होंने संस्मरण ए स्टोरी लेटली टोल्ड 2013 और वॉच मी 2014 लिखे हैं। प्रारंभिक जीवन हस्तन का जन्म 8 जुलाई 1951 को शाम छह बजकर उनतीस मिनट बजे लॉस एंजल्स के सीडर ऑफ लेबनान अस्पताल में हुआ था तीन उनके पिता निर्देशक और अभिनेता जॉन हस्टन और प्राइमा बेलेरीना और मॉडल एन्रिका सोमा थे चार हस्तन के अनुसार मेरे आगमन की खबर तुरंत पश्चिमी युगांडा के बुटियाबा कस्बे के डाकघर में भेज दी गई और दो दिन बाद एक नंगे पाव धावक टेलीग्राम लेकर आखिरकार मर्चिसन फॉल्स पहुंचा, जहां उनके पिता द अफ्रीकन क्रीम उन्नीस का फिल्मांकन कर रहे थे तीन हस्तन के दादा कनाडा में जन्मे अभिनेता वाल्टर हस्तन थे हस्तन के पिता की ओर से स्कॉटिश आयरिश अंग्रेजी और वेल्श वंश है और उनकी मां की ओर से इतालवी वंश है पांड जब ह्यूस्टन दो साल की थी तो उनका परिवार आयरलैंड चला गया जहां उन्होंने अपना अधिकांश बचपन बिताया और जिसे वह अभी भी अपना घर मानती है छे, उसके माता पिता ने ह्यूस्टन द्वारा काउंटी किल्डारे में एक ऊंचे पत्थर के विक्टोरियन मनोर को तीन साल के लिए किराए पर लिया था इससे पहले कि जॉन ह्यूस्टन ने उन्नीस में काउंटी गोल्वे में एक एकड़ की संपत्ति सेंट क्लेरांस खरीदी तीन उन्होंने काइलमोरेबे में स्कूल में पढ़ाई की सात और बाद में इंग्लैंड में स्थानांतरित होने के बाद होलैंड पार्क स्कूल में पढ़ाई की आइड ह्यूस्टन का परिवार अपने माता पिता की कई शादियों और विवाहेतर संबंधों के कारण जटिल है उसका एक बड़ा भाई टोनी और एक कोद लिया हुआ बड़ा भाई पाब्लो है उसकी एक छोटी सौतेली बहन है जिसका नाम एलेग्रा है जिसे वह लेक्स कहती है और एक छोटा पैतृक सौतेला भाई अभिनेता डेनी ह्यूस्टन है वह अभिनेता जैक ह्यूस्टन की चाची है नौ उसने एक बार खुद को एक अकेला बच्चा बताया यह समझाते हुए मेरा भाई टोनी और मैं कभी बहुत करीब नहीं थे न तो बच्चों के रूप में और न ही वयस्कों के रूप में लेकिन मैं उससे बहुत मजबूती से बंधी हुई थी हमें एक साथ रहने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि हम वास्तव में काफी अकेले थे हम आयरिश ग्रामीण इलाकों के बीच में थे और हमने कई अन्य बच्चों को नहीं देखा है। हमें ट्यूशन पढ़ाया जाता था हमारे पिता ज्यादातर फिल्मांकन के लिए बाहर रहते थे थीन आजीविका स्क्रीन डेब्यू और मॉडलिंग उन्नीस से उन्नीस ह्यूस्टन असी दयान के साथ ए वॉक विद लव एन डेट उन्नीस के सेट पर उनके पिता की फिल्म ए वॉक विद लव एन डेट उन्नीस जिसमें हस्तन ने असी दयान के विपरीत 16 वर्षीय फ्रांसीसी कुलीन महिला क्लाउडिया की भूमिका निभाई थी ने उनकी पहली फिल्म थी वह निर्देशक फ्रेंको जेफिरेली की रोमियो एंड जूलियत उन्नीस के रूपांतरण में जूलियट की भूमिका निभाने की दौड़ में थीं लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें ए वॉक विद लव एंड डेथ में क्लाउडिया के रूप में लेने का फ़ैसला किया तो हस्तन ने उन्हें विचार से हटा दिए हस्तन को लगा कि वह इस भूमिका के लिए सही नहीं थी और उन्होंने इस अनुभव पर टिप्पणी की है कि उनके पिता ने पहली बार में ही मुझे ग़लत कास्ट कर दिया था और मुझे लगता है कि उन्हें इसका एहसास हो गया था मैं अभिनय करने के लिए तैयार थी लेकिन मैं उनके लिए अभिनय करने के लिए तैयार नहीं थी में मुश्किल थी मैं बिना मेकअप के अभिनय नहीं, नहीं करना चाहती थी हालांकि मैं फ्रेंको के लिए यर कर सकती थी दस पिता और बेटी के बीच सेट पर एक करवा रिश्ता था ग्यारह आलोचकों ने उनके प्रदर्शन का उपहास किए दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो ये हमें देखने को मिलने वाली है तकरीबन 6 जून 2025 हजार पच्चीस ये दोस्तों इतना लंबा इंतजार आपको कंफर्म करने को एक तरह से मिलने वाला है बाकी इसकी एक तरह से प्रोडक्शन में भी कई स्टूडियो थंडर रोड फिल्म द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है और और भी कई स्टूडियो बाकी इंडिया के अंदर ही हमें हिंदी में भी देखने को मिलने वाली है बाकी आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में